मदरसे से आ गया साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई साहब आज जो है 10वां रोज़ा है और हम लोग जो है घर से निकल गए हैं बिल्कुल तकरीबन रोज़े में। अभी इफ्तार में तकरीबन आधा घंटा बाकी है और हम लोग जो है निकल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अकील भाई के घर इफ्तार करने। दूसरा ये कि अकील भाई के घर में इसलिए कि हमारा जो जुनेद है उसका जो है एक दो दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका जो है हाथ की भी हड्डियाँ टूट गई और कुछ ज़्यादा इंजरी आई है। इससे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो अकील मैंने बोला कि इफ्तार यहीं करना हमारे घर, क्योंकि साइन का मदरसा होता है असर के बाद, तो हमने सोचा साइन मदरसे से आ जाए फिर ही हम निकलेंगे। गेमा गेमी लगी होगी हर जगह, पर अल्लाह हमें भी सवर दे, दूसरों को भी सवर दे। हाँ। ये टाइम पे जो है ना बाहर ये रश दे। रमजान के महीने में नो शैतान नो वायलेंस। और बच्चों के पेपर खत्म हुए, आज साइम का आखिरी था। हाँ। सबके पेपर खत्म हो गए और रोजे में इस तरह नहीं करते। और वह ये रमजान की रौनक है या रश है? तो जनाब इस वक्त हम हैं रास्ते में और बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाए इफ्तार से पहले पहुंच जाए इफ्तार की दावत में। एक तो कराची शहर में ट्रैफिक इतना, और अब देखें इस तरफ क्या सूरत हाल है। अकील भाई के घर हम जा रहे हैं इफ्तार करने, आपको बता चुका हूँ? नहीं बताया? चले भाई आपको बताए, दोबारा बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अकील भाई के घर इफ्तार करने, क्योंकि हमारे जुनेद को, प्यारे जुनेद को जो है ना बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत सारी चोटें लगी हैं, तो उसका भी हाल अहवाल पूछने जाए। और हम लोग वैसे ही उससे मिलने ही जा रहे थे, तो अकील भाई ने बोला कि नहीं मेरे यहाँ इफ्तार करना, आप लोग जल्दी आना, वरना हम इफ्तार के बाद जाने वाले थे, मैं और हिरम अकेले बाइक पर ही जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बच्चों को भी लेकर आओ, इफ्तार हमारे घर ही करना, और बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो हमने कहा चलो सही है चलते हैं अकील भाई के घर, और जो है मुलाकात भी हो जाएगी, बच्चे भी मिल लेंगे, क्योंकि पूरा 10-15 दिन से इनके एग्जाम ही चल रहे थे। 10-15 दिन नहीं, महीना होने को आया ना, 25 दिन तक महीना होने को आया यार, एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, तो बच्चे भी घर से कहीं नहीं निकले, ये भी बहुत वो कर रहे थे कि चलते हैं पापा हम भी चलते हैं, मैं कहा चलो फिर आज अकील भाई के घर जाएंगे, कल नानी के घर जाएंगे ना, कल नानी के घर। तो जी ये है केएमसी ऑफिस लाइट हाउस और हम पहुंच चुके हैं सिटी कोर्ट। बंदर रोड के मंजर आप देख रहे हैं किस तरीके से गेमा गेमी लगी हुई है और लोग अपने आपे में नहीं है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। और ये हमारे गोरी भाइयों का जमात खाने जाने का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मशहूर गोरी जमात खाना है, कोई बड़ा पीछे भी है यहाँ भी है। और ये बोल्टर मार्केट बंद हो चुकी है, शुक्र है रास्ता है, वरना यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। काफी दिनों बाद निकले तुम, तो बहुत दिनों बाद निकले, कितने तुम कहते पहले पे रोजे नहीं, पहले रोजे क्या तुम तो निकली नहीं हो, बच्चों के पेपर शुरू हुए तुम तो निकली नहीं, एक बार रात में बस मस्जिद। आपको पता है मेरे चप्पल टूट गए सीढ़ी उतरते उतरते, ये देखिए सीढ़ी उतरते उतरते बीच में से टूट गए, गाड़ी में रखे हैं ना मैंने सीट के नीचे, वो पड़े हैं ना, काम आ गया। हाँ वहाँ पहुँचने के साथ मुझे निकाल देना आप, पहले निकाल नहीं निकाल रही हूँ बस, तुम्हारी सीट के नीचे होंगे शाम को बोलो पीछे। और ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, हो नहीं जाए क्योंकि हमें इफ्तार करना है। हाँ नहीं नहीं अभी टाइम है थोड़ा, छटपटे का आलम कौन सा आलम हो रहा है?
ये ट्रक आ गया सामने। अभी आप जाना नहीं, हम पहुंच जाए है ना, 15 बहुत है हमारे लिए 15 मिनट। हाँ 10 मिनट पहुंचने में, 5 मिनट उनके घर में बैठेंगे, खाएंगे और फिर निकलने वाली करेंगे। हर दफा की तरह टाइम पे पहुंचेंगे, इस दफा के हम टाइम पे हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो ये रूट है ना इसमें हमें रश बहुत मिलता है। हाँ नहीं, हाँ अभी हमारे घर के पास और होता भी नहीं है ना बच्चों का स्कूल। आज देखो साइम स्कूल गया था, वो आया, आने के साथ तो बच्चे सोते नहीं है और कोई रात सोते नहीं है, कोई रात भी नहीं सोते, पता नहीं क्या सेटिंग बनती है। कितनी मोहब्बत है फोन करके, हाँ क्यों किसी को परेशान करे। उर्वा का रोजा है। वालेकुम सलाम। ये मरीज आदमी, मरीज लड़का, कैसे हो जुनैद? सही हो? कुकिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, नज़ला है? तबीयत खराब है? दस्तर लग चुका है। ये देखें उर्वा को, बुखार है। उर्वा बुखार हो गया? बड़ा चढ़िया आएगा। तो भाई साहब होकर आ गए थे अकील भाई के घर, गए थे इफ्तार करने, तो वीडियो में आपने सबसे देखा, और वहाँ पर एक सीन ये हो गया कि हमारी प्यारी उर्वा जो है वो बीमार हो गई, उसको बुखार हो गया, और सहरी भी हम सब ने कर ली है और अभी सहरी का वक्त हो रहा है। माशाल्लाह से, तो भाई साहब माशाल्लाह से 11वीं सहरी हो गई है और हमने 11वां रोज़ा इख्तियार कर लिया है माशाल्लाह से, और सहरी वगैरह सब हो गई, अब नमाज अदा करेंगे और फिर थोड़ी देर नींद करेंगे। अब तो बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए, तो आज मैं सही तरीके से नींद करूँगा अपने टाइम से। और मैं ये बता रहा था कि हमारी उर्वा जो है वो बीमार हो गई थी, उसको बुखार हो गया था, क्योंकि उसको दो तीन दिन से जो है गले में दर्द और नज़ला और था, दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, लेकिन आज जो है बुखार निकल के सामने आया। चले जी, अजान हो रही है तो अभी हम नमाज अदा करेंगे और इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और देखते रहिए वीडियो को, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट्स करके बताइए, और मिलते हैं चले आपसे इफ्तार के वक्त। तो अल्लाह हाफ़िज़।